और अब खबर मुलुंड से। मुलुंड के आर मॉल में कार और बाइक की पार्किंग के नाम पर लिए जा रहे पैसों के विरोध में मोर्चा निकाला गया। युवाओं की संगठन एकता ने ये मोर्चा निकाला। दरअसल कमर्शियल मॉल में बीएमसी के परमिशन के बगैर पार्किंग के पैसे लिए जा सकते हैं। इस बात को लेकर काफी विवाद था और इसके बावजूद भी मॉल में 15 से 20 रुपए पार्किंग फीस वसूली जाती है। मॉल बना लूट का अड्डा, लोगों से वसूली जा रही है पार्किंग फीस, कानून की उड़ाई धज्जियां, बीएमसी के आदेश को दिखाया अंगूठा। यह है आर मॉल। मुलुंड के एलबीएस मार्ग पर स्थित इस मॉल प्रशासन से लोग खासे नाराज हैं और नाराजगी की वजह है यहां पार्किंग के लिए हो रही अवैध वसूली। इसी के विरोध में एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने मॉल के जनरल मैनेजर श्रवण गुलेरिया का घेराव भी किया। मॉल में आने वाले ग्राहकों से कार की पार्किंग के लिए 20 रुपए और मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए 15 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि बीएमसी की इजाजत के बिना पे एंड पार्क के पैसे नहीं लिए जा सकते। लेकिन मॉल प्रशासन पार्किंग फीस वसूल कर नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एज पर बीएमसी रूल इनको जो पार्किंग के लिए टीडीआर और एफएसए दिया जाता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि ये इनका एक्सक्लूसिव इनके कस्टमर्स के लिए, और बाहर लोग पार्क ना करें और न्यूसेंस क्रिएट ना हो, तो इसलिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं। अगर इनको इसका कमर्शियलाइजेशन करना है तो इस टीडीआर और एफएसए के इनको पैसा भरना चाहिए था। आर मॉल की पूरे मुंबई में 38 शाखाएं हैं और सभी जगहों पर पार्किंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। उधर मॉल मैनेजमेंट की दलील है कि वो लोगों के सुरक्षा के लिए यह पैसे वसूलता है, लेकिन नाराज लोग अब मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। मॉल के जनरल मैनेजर श्रवण गुलेरिया को 7 दिन में फैसला बदलने की चेतावनी दे दी गई है। सुरेश नंदीरे, TV9। सैनिकों पर होती है